ये है दिल्ली दर्पण। आपके सगे प्रमुख नेता गेल्या काही दिवसात दुसऱ्या वेळेला मातोश्रीत आलेले आहेत आणि एक गोष्ट नक्की की नातं जपण्यासाठी शिवसेना आणि मातोश्री प्रसिद्ध आहे। काही लोक केवळ राजकारण करतात पण आम्ही मात्र राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन नातं जपत असतो। अरविंद जी आप आए हो, मैं यही कह रहा था कि पिछले कुछ दिनों में आप लगातार दूसरी बार आए हो। हम तो रिश्ता मानने वाले और रिश्ते संभालने वाले लोग हैं। ठीक है, राजनीति अपनी और अपनी जगह पर है, स्वाभाविक है। आने वाला वर्ष निवडणूक का, इलेक्शन का या चुनाव का वर्ष है। इस बार अगर ट्रेन छूट गई तो हमारे देश से प्रजातंत्र गायब हो जाएगा और प्रजातंत्र को कायम बचाने के लिए मैं सिर्फ विपक्ष, ये शब्द जो है वो थोड़ा सा गोलमाल शब्द है। विपक्ष मतलब किसका विपक्ष, किसका विरोधी? हम तो सारे देश प्रेमी हैं और देश से जो प्रजातंत्र हटाना चाहते हैं वो प्रजातंत्र के लिए और देश के लिए, मैं मानता हूँ आज से उनको विपक्ष या विरोधी बोलना चाहिए। लोकतंत्र विरोधी, लोकतंत्र विरोधी लोगों का मुकाबला करने के लिए और देश को बचाने के लिए हम एक साथ आए हैं, संविधान को बचाने के लिए आए हैं। और जैसे अभी अभी आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में सर्वोच्च न्यायालय ने दो निकाल दिए हैं, एक तो शिवसेना के बारे में है और दूसरा दिल्ली के बारे में, दिल्ली के विषय में। प्रजातंत्र में सबसे ज्यादा महत्व जो भी लोक प्रतिनिधि निधि होते हैं उनका होना चाहिए। और आप मतलब अरविंद जी भी है और आप पार्टी भी है, सरकार भी दिल्ली की है, उनके मैं साइड से नहीं कहता कि, लेकिन उनके बारे में जो सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया है वो एक प्रजातंत्र के लिए आवश्यक था, लेकिन उसके खिलाफ केंद्र सरकार ने काय म्हणे त्याला वटहुकूम अध्यादेश लाया। तो ये कौन सा जनतंत्र है? ये तो लोगों ने चुने हुए प्रतिनिधि है, अपने लोग हैं, अपना प्रतिनिधि उन्होंने चुना है, तो उनको कुछ अधिकार होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो फिर शायद ऐसे भी दिन आ जाएंगे कि राज्य में, स्टेट में इलेक्शन ही नहीं हो जाएंगे, सिर्फ केंद्र में इलेक्शन हो जाएंगे, वो भी इलेक्शन 2024 तक होने की संभावना है। उसके बाद जनता जो फैसला करेगी वो जनता, इसलिए हम उनको नींद से जगाने के लिए एक साथ आए हैं। बाकी की जो बातें हैं मैं अरविंद जी आपको कहूंगा कि आप विस्तार से कहे, नहीं तो मैं ही सारी बातें कह दूंगा तो आपको कहने के लिए कुछ बचेगा। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं आज यहां आने के लिए। मैं उद्धव जी का, उनके पूरे परिवार का और उनकी पार्टी का अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से, हम जो लोग आए हैं सबकी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इतना उन्होंने अब हमें अपने परिवार का हिस्सा बना लिया है, तो जैसा उन्होंने कहा मैं भी उन्हें कहना चाहता हूँ कि हम भी रिश्ता निभाने वालों में हैं। आपके साथ रिश्ता बनाया है तो पूरी ज़िंदगी आपके साथ रिश्ता निभाएंगे, दोस्ती का रिश्ता। थैंक यू सो मच फॉर रिसीविंग अस सो वार्मली। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली के लोगों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी अपने अधिकारों के लिए। जैसे ही दिल्ली में हमारी सरकार बनी 2015 में, हमारी सरकार बनते ही मोदी सरकार ने हमारी सारी शक्तियां छीन ली एक छोटा सा नोटिफिकेशन पारित करके। फरवरी 2015 में सरकार बनी और मई के अंदर 3 महीने में नोटिफिकेशन जारी करके हमारी सारी शक्तियां छीन ली। 8 साल दिल्ली के लोगों ने लड़ाई लड़ी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 8 साल लड़ाई लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया। जिस दिन फैसला आया 8 साल की लड़ाई के बाद, उसके 8 दिन के अंदर केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी करके वो सारी शक्तियां वापस छीन ली। तो जनतंत्र के अंदर जनता की चलनी चाहिए कि गवर्नर की चलनी चाहिए, जनता की चलनी चाहिए कि केंद्र की चलनी चाहिए? जनतंत्र में तो चुनी हुई सरकार के पास पावर होनी चाहिए ताकि जनता के, जो जनता मांगे वो काम कर सके, जनता के प्रति जवाब दे, तो चुनी हुई सरकार होती है। लेकिन उन्होंने सारी शक्तियां छीन ली। इसका मतलब ये साफ साफ ये लोग ये बोल रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते।
पिछले जिस तरह का इनका रवैया इन लोगों का, हमने पिछले कुछ महीनों में ये भी देखा कैसे इन लोगों ने, इनके मंत्रियों ने, इनके नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजों को किस तरह से ये लोग गाली देते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। जिस तरह से इनके लोग जजों के खिलाफ और जुडिशरी के खिलाफ सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाते हैं, इनके लोग जजेस को, रिटायर्ड जजेस को एंटी नेशनल बोलते हैं, तो इनका जुडिशरी पे इनका कोई वो नहीं है। अब इन्होंने एक मैसेज दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी फैसला दे हम नहीं मानते, हम ऑर्डिनेंस ला के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पलट देंगे। ऐसे हमारा कैसे चलेगा, ऐसे तो हमारा देश नहीं चल सकता। और ये जनतंत्र सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते और ये जनतंत्र को भी नहीं मानते। शिवसेना तो सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी है, किस तरह से भारी बहुमत से चुनी हुई, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को इन्होंने गलत तरीके से सीबीआई से, ईडी से, पैसे से इनके एमएलए को तोड़ के इनकी सरकार गिरा दी। तो अब इनके तीन तरीके हैं बीजेपी के, तीन तरीकों से अगर कोई बीजेपी की सरकार नहीं बनाएगा, किसी राज्य में नहीं बनेगी, तो या तो वो एमएलए खरीद के उसकी सरकार गिरा देंगे, या एमएलए सीबीआई और ईडी का डर दिखा के एमएलए तोड़ के उनकी सरकार गिरा देंगे, और या फिर ऑर्डिनेंस ला के उनकी सारी शक्तियां छीन लेंगे। दिल्ली में यही हुआ, इन्होंने ऑपरेशन लोटस किया, दो तीन बार ऑपरेशन लोटस किया, हमारे एमएलए खरीदने की, तोड़ने की कोशिश की, हमारा एक भी एमएलए नहीं बिका। जब इन्होंने देखा कि इनकी सरकार टूट नहीं रही, इनकी सरकार गिर नहीं रही, तो अब ये ऑर्डिनेंस ला के इन लोगों ने हमारी सारी शक्तियाँ छीन ली। तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा अहंकार हो गया है, और जब किसी आदमी को बहुत अहंकार हो जाता है तो बहुत स्वार्थी हो जाता है वो आदमी। ऐसा व्यक्ति देश नहीं चला सकता जो इतने अहंकार और इतने स्वार्थ के अंदर जीता है, वो फिर देश के बारे में नहीं सोचता। वो केवल ये ऑर्डिनेंस क्या है, ये ऑर्डिनेंस ये है कि सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत कैसे हो गई हमारे खिलाफ आदेश देने की, हम देखते हैं। तो ये अहंकार का नतीजा है, अहंकार के अंदर जब आदमी आ जाता है तो फिर कुछ नहीं बचता है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ शिवसेना का, उद्धव जी का, कि उन्होंने दिल्ली के लोगों का आज साथ दिया। ये लड़ाई दिल्ली की नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश के अंदर संविधान की है, जनतंत्र की है, फेडरलिज्म की है। जिस तरह से सारी देश के अंदर सरकारों को परेशान किया जा रहा है, सीबीआई और ईडी का डर दिखा के सरकारें तोड़ी जा रही हैं गवर्नर्स के जरिए, आपको जान के ताज्जुब होगा, पंजाब के अंदर इस बार बजट सेशन नहीं बुलाने दिया गवर्नर ने, गवर्नर ने कहा बजट सेशन नहीं होगा। आप सोच सकते हैं, बजट सेशन की अनुमति नहीं दी गवर्नर ने, इनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा पड़ा, सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेके आए कि बजट सेशन होगा, तब बजट सेशन हुआ। तो ये तो जनतंत्र ही नहीं बचेगा, फिर चुनाव क्यों कराते हो, फिर तो एक प्रधानमंत्री और 31 गवर्नर बैठ के अपना देश चला लें, फिर कोई मुख्यमंत्री की ज़रूरत नहीं, कोई कैबिनेट की ज़रूरत नहीं, कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ज़रूरत नहीं। इसको हम सबको मिलकर लड़ना होगा, ये केवल दिल्ली की लड़ाई नहीं है। और शिवसेना ने हमें प्रॉमिस किया है कि जब ये संसद में बिल आएगा तो संसद में इसके खिलाफ दिल्ली वालों का समर्थन करेंगे। दिल्ली के लोगों की तरफ से मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उद्धव जी का, शिवसेना का। और ये एक तरह से सेमीफाइनल होगा 2024 का। अगर 2000 राज्यसभा के अंदर ये बिल गिर जाता है तो 2024 के अंदर मोदी सरकार दोबारा नहीं आ रही है। मैं बहुत 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 धन्यवाद उद्धव जी का, उनके सारे एमपी लोकसभा और राज्यसभा के मेरे साथी भी रहे, अरविंद जी, संजय राव जी, और अपनी पार्टी के प्रधान अरविंद केजरीवाल जी, और उद्धव जी ने पहले भी हम मातोश्री में आए थे और यहाँ के हमें घर जैसा माहौल मिलता है, तो उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, इतना मान सम्मान करते हैं। जैसा कि उद्धव जी ने और अरविंद जी ने बोला, लोकतंत्र खतरे में है और भारी खतरे में है। कैसे इलेक्टेड की जगह सिलेक्टेड लोग जो हैं वो जनता को चलाते हैं, वो सरकारें चलाते हैं, जबकि लोकतंत्र का मतलब है इलेक्टेड। ये गवर्नर है सिलेक्टेड, तो एलजी कौन कौन बनाता है, एलजी की कभी एलजी ने कोई जनता से कोई, या गवर्नर ने किसी जनता से कोई मैंडेट लिया नहीं, लिया अपनी मर्जी का गवर्नर लगा दिया, तंग करो चुनी हुई सरकार को, अगर सरकार इनकी नहीं बनी। हमें भी बजट सेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा, हमारे तो गवर्नर साहब इस बात से भी मुकर गए थे बजट सेशन में कि मैं माई गवर्नमेंट नहीं कहूँगा। तो हमने कहा जी माई गवर्नमेंट क्यों नहीं कहोगे आप, आपकी गवर्नमेंट आपके सम्मन किया आपने, तो भाषण जो लिखा है वो तो पढ़ना पड़ेगा आपको, वो तो संविधान में है।
इसके लिए भी हमें सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ेगा कि आपको माई गवर्नमेंट कहना पड़ेगा, वरना दिस गवर्नमेंट कहने वाले थे। दिस गवर्नमेंट मतलब जो राजभवन है पूरे देश में वो बीजेपी के हेड ऑफिस बन गए हैं, जो गवर्नर हैं वो स्टार कंपेनर बन गए हैं बीजेपी के। ये लोकतंत्र नहीं है, गुलदस्ते में एक ही तरह के फूल नहीं हो सकते। भारत एक गुलदस्ता है, हर फूल का अपना अपना रंग है, हर फूल की अपनी खुशबू है। तो एक माला की तरह भारत है, हर माला का मनका जो है वो अलग अलग रंग का है। लेकिन ये चाहते हैं हमारा ही हो सब कुछ, हमारा ही हो सब कुछ, हम ही राज करें। जैसा कि अरविंद जी ने बताया, अगर जीत के नहीं आते, इलेक्शन से नहीं आते तो बाई इलेक्शन से आ जाते हैं, अगर बाई इलेक्शन से ना आए तो खरीद लेते हैं। तो देश के लिए लोकतंत्र जो है, जैसा कि अदूब जी ने कहा कि विपक्ष नहीं है, हम तो देश को प्यार करने वाले लोग हैं। असल में असली जो विरोधी हैं देश के, वो हैं जो देश को चला रहे हैं, जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, जो हर रोज धज्जियाँ उड़ा रहे हैं लोकतंत्र की। तो दिल्ली की, उसके बाद आपको सुन के ताज्जुब होगा, 2015 में शक्तियाँ छीन ली, तब 67 सीट आई थी 70 में से। शक्तियाँ ना होने के बावजूद भी अरविंद जी ने काम किए अपने दृढ़ इरादों से, क्योंकि उड़ान जो है वो हौसलों से होती है, वो पंखों से नहीं होती। तो शक्तियाँ छीनने के बाद भी काम किए, 2020 में दोबारा शक्ति दी लोगों ने 63 सीट्स। अब इनको यही दिक्कत है कि हम लोग अब MCD भी हार गए, अब इनको ये लगता है कि हम धीरे धीरे देश में हारना शुरू कर चुके हैं। तो अभी देश को बचाना है, अगर सभी को इकट्ठे होना पड़ेगा। हाँ, कुछ विचारक मतभेद होंगे कई पार्टियों के देश में, लेकिन देश बचाने के लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर देश ही ना बचा तो फिर पार्टियां क्या करेंगी, पार्टियों का प्रधान बन के मुख्यमंत्री बन के क्या करोगे जब देश ही ना रहा। 24 में अगर ये आ गए, ये संविधान बदल देंगे, और ये जिस तरीके से चल रहे हैं प्रधानमंत्री जी, बिल्कुल आने वाले दिनों में नरेंद्र पुतिन बनने वाले हैं ये। हाँ, ये इलेक्शन नहीं कराएंगे, ये कहेंगे 35 साल के मैं ही हूँ, बस 40 साल के लिए मैं ही हूँ। तो ये उन राहों पर चल रहे हैं, तो ये बहुत खतरनाक है। देश का लोकतंत्र जो है, देश के शहीदों ने अपना खून का कतरा कतरा, हमारे पुरखों ने कतरा कतरा खून का बहा के ये देश हमको लेके दिया था। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है कि ये देश के मालिक बन के बैठ गए। इनकी कोई कुर्बानी, देश को आज़ाद करवाने में इनका कोई योगदान नहीं है, लेकिन जो आज़ादी के परवाने थे उन्होंने देश लेके दिया। और देश को ये किन हाथों में बेच रहे हैं, कैसे हर रोज बैंक बिक रहे हैं, रेल बेच दी, तेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, कैसे जो जुडिशरी को तंग किया जा रहा है। तो हम उद्धव जी के पास इसलिए आए हैं कि क्योंकि ये भी पीड़ित हैं, उस जो कुल्हाड़ी लेके बैठे हैं ये दिल्ली में, वो सब पे चलती है। तो इसके लिए हम सबको इकट्ठा होके देश को बचाने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल पूछेंगी, जब लोकतंत्र ख़त्म हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे, कम से कम हम जवाब देने के लायक रहेंगे कि हम कोशिश कर रहे थे, हम के बाद इनके विरुद्ध इकट्ठे हो रहे थे, हम लोगों को 140 करोड़ लोगों को ये बात मीडिया के जरिए अपने अपने भाषा में समझा रहे थे। तो लोकतंत्र को बचाने के लिए आज हम आए हैं, और मुझे खुशी है कि उद्धव जी ने बहुत ही साथ दिया, और पहले भी बहुत से मुद्दों पर हम लोकसभा में इकट्ठे लड़ते रहे हैं शिवसेना के जितने भी MP साहबान होते हैं। तो मैं इनका बहुत आभार भी व्यक्त करता हूँ कि हमें मान सम्मान दिया, और इनको पंजाब आने का न्योता भी देता हूँ। आइए दरबार साहब, आइए देखिए, वहाँ पे बहुत शांति सुकून वाली जगह, और हम लोग मिलके सब देश को, क्योंकि लंबे सफ़र को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए, एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।